फ्रेंड्स, वेलकम इन C3 चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। देन आज का टॉपिक है हमारे पास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज की क्लास में क्लास 10th के टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको मैं यहाँ डिनोट कर देती हूँ कि ये डायग्राम किसका है। ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस डायग्राम को हम लोग नेमिंग भी करेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ टर्म डाइजेशन, क्या समझते हैं आप डाइजेशन टर्म से? तो डाइजेशन टर्म का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल के अंदर क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। मतलब कि हम जो खाना खाते हैं, उस खाने को बिल्कुल उसके सिंपल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। और डाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिस सिस्टम को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप समझे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम किस से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होती है एलिमेंटरी कैनाल, फर्स्ट है एलिमेंटरी कैनाल, एंड सेकेंड है असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट क्या था, एलिमेंटरी कैनाल, एंड सेकेंड असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंटरी कैनाल के अंदर हम लोग ऑर्गन्स की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन कौन से ऑर्गन हैं जो यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम उन ग्लैंड्स की बात करते हैं जो किसी न किसी टाइप के हॉर्मोन्स को या किसी टाइप के एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंटरी कैनाल की। एलिमेंटरी कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर एनस तक चलती है। एलिमेंटरी कैनाल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से लेकर एनस तक चलती है, जिसकी जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, एवरेज होती है 4.5 मीटर इन लिविंग स्टेट। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जीवित है तो उस टाइम पर उसकी जो एलिमेंटरी कैनाल होगी उसकी लेंथ कितनी होती है, 4.5 मीटर। लेकिन जब कोई डेड हो जाता है तो उसके डेड होने के बाद में ये एलिमेंटरी कैनाल इलोंगेटेड हो जाती है, मतलब कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। और जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है 7 to 8 मीटर में। तो यहाँ आप इसको बिल्कुल स्टार पॉइंट बना करके रिमार्क रखें कि एलिमेंटरी कैनाल 4.5 मीटर लॉन्ग होती है इन लिविंग स्टेज, एंड डेथ के बाद में एलिमेंटरी कैनाल 7 to 8 मीटर लॉन्ग हो जाती है। एलिमेंटरी कैनाल के तीन मेन फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट फंक्शन होता है कि एलिमेंटरी कैनाल फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। एलिमेंटरी कैनाल में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। सेकेंड, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये होता है कि फूड को माउथ से लेकर एनस तक पहुंचाने का काम भी एलिमेंटरी कैनाल के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि एलिमेंटरी कैनाल के तीन मेन फंक्शन है, फूड को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, एंड फूड को माउथ से एनस तक पहुंचाना। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंटरी कैनाल में माउथ से लेकर एनस तक कौन कौन से पार्ट यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, एलिमेंटरी कैनाल में माउथ से लेकर एनस तक फर्स्ट पार्ट आता है माउथ। फर्स्ट क्या आता है, माउथ। माउथ आगे जाकर ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी जो है वो आगे जाकर ओपन होती है स्टूडेंट्स फेरिंग्स के अंदर। आप पहले हम मैं आपको सिर्फ इन नामों से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि ये नाम क्या होते हैं। फेरिंग्स के बाद में स्टूडेंट्स मिलता है ईसोफेगस, ठीक है, एंड ईसोफेगस के बाद में होता है स्टमक। स्टमक के बाद में आती है इंटेस्टाइन, एंड ये जो इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन दो होती है, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं,
ड्यूडेनम, जेजुअलम एंड ईलियम। सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये जो सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे नाम केवल एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स यूजेबल हैं, मतलब हेल्प कर रही हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, वो है सबसे पहली सेलाइवरी ग्लैंड, जो कि सेलाइवा का सीक्रेशन करती है। सेलाइवा लार होती है, जब किसी फेवरेट चीज को हम देख लेते हैं तो मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल वही। तो सेलाइवरी ग्लैंड क्या? सेलाइवा का सीक्रेशन करती है। सेकेंड होती है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड हम बात करेंगे लीवर के बारे में, एंड लीवर जो है ये हमारी ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। क्या होती है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब कि लीवर के बाद में जो दूसरी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है, जो बड़ी है, वो कौन सी है? पैनक्रियाज। एंड लास्ट बचता है हमारा इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल सीक्रेशन। तो ये इंटेस्टाइन से जो भी सीक्रेशन होता है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या है? असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये क्या है? एलिमेंटरी कैनाल। अगर चाहें आप तो इनको कंप्लीट नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप समझ पाए। क्लियर? अब हम इस डायग्राम को नेमिंग करना शुरू करते हैं कि ये डायग्राम है क्या। तो देखिए, इस डायग्राम में जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये है हमारा माउथ। माउथ आगे अंदर जाकर बकल कैविटी में ओपन होता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी के बाद में एंट्री होती है फेरिंग्स की। तो यहाँ फेरिंग्स होता है, ये जो थ्रॉट होता है उसे कहा जाता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का पार्ट क्या होता है? थ्रॉट। तो यहाँ पर ये फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के अंदर हमारी दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, एक ईसोफेगस और एक ट्रेकिया, जिसके बारे में मैं आपको एक एक जब इन पार्ट्स के बारे में बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद फेरिंग्स के बाद में आता है ईसोफेगस। तो ये है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे जाकर ओपन होती है स्टमक के अंदर। तो ये स्टमक है, इधर की साइड है ये लीवर, और यहां पर है स्टूडेंट्स गॉल ब्लैडर, जिसके बारे में अभी आपने कहीं नाम नहीं सुना है। लीवर के अंदर की तरफ है यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर, अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पार्ट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। क्लियर? एंड ये जो पूरी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये है हमारी बिग या लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है ये? बिग या लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर की तरफ यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है, ये कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर की तरफ। तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड यहाँ जो लास्ट पार्ट है वो होता है एनस, और इससे ऊपर की तरफ होती है एनस कैनाल, एनल कैनाल, जो कि लगभग 2-3 सेंटीमीटर की लेंथ में मानी जाती है। तो अब हम एक एक पढ़कर शुरू करते हैं। एलिमेंटरी कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माउथ। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। माउथ क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो कि दो मूवेबल लिप्स से कवर रहता है। और माउथ का काम क्या होता है? इंसेशन का, फूड को इंजेस्ट कराने का काम करता है माउथ। ठीक है, माउथ दो मूवेबल लिप्स से सराउंडेड एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है जो इंजेशन का काम करता है। माउथ आगे जाकर खुलता है स्टूडेंट्स बकल कैविटी में। आप इसको डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, माउथ कहाँ खुलता है? बकल कैविटी में। अब ये जो बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी के अंदर मेनली तीन चीजें मिलती हैं हम, फर्स्ट पैलेट, सेकंड टीथ एंड थर्ड टंग। इन तीन चीजों से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है? बकल कैविटी का।
पैलेट क्या होता है, देखिए अगर हम देखें ये नोज एंड ये हमारी माउथ, तो नोजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को अलग करने के लिए यहाँ एक पार्ट होता है जिसे पैलेट कहा जाता है। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है इसे स्केलेटन का सपोर्ट मिलता है। स्केलेटन क्या होता है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है उस ह्यूमन की बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, उनको कम्प्लीटली मिला दिया जाए तो स्केलेटन बनता है ना। तो अगर पैलेट को स्केलेटन का सपोर्ट मिल जाए तो पैलेट कौन सा हो जाता है, हार्ड पैलेट, और अगर पैलेट को स्केलेटन का सपोर्ट नहीं मिलता है तो पैलेट हो जाता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का जो लोअर पार्ट होगा बिल्कुल लास्ट का, वहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे युगला बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम टीथ की, तो पैलेट के बाद में टीथ। टीथ हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर 32 टीथ होते हैं टोटल, लेकिन टीथ होते किस टाइप के हैं, तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब जॉ सॉकेट्स के अंदर कम्प्लीटली फिड, मतलब कि जो सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं ये टीथ, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन के टीथ होते हैं डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब कि एक बार ह्यूमन के लाइफ साइकिल में जो टीथ होते हैं वो लाइफ साइकिल में दो बार आते हैं, एक बार मिल्की टीथ जिन्हें बोलते हैं ना बचपन में दूध के दांत आते हैं, तो वो वाले, तो मिल्की टीथ, दूध के दांत एंड परमानेंट टीथ जो कि स्थायी होते हैं, ठीक है। तो दो बार दांत आते हैं इसलिए दांत कैसे होते हैं, टीथ कैसे होते हैं, डाइफियोडोंट। थर्ड होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब कि टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, फंक्शंस के बेसिस पर, जो टीथ फंक्शन करते हैं उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट होते हैं इंसीजर, सेकेंड होते हैं कैनाइन, थर्ड होते हैं प्रीमोलर्स एंड फोर्थ होते हैं मोलर्स। तो ये चार टाइप के क्या होते हैं, टीथ, ठीक है। जैसे देखिए ये एक माउथ है, आप इमेजिन कीजिए ये एक माउथ है, इस माउथ में टोटल 32 टीथ है। अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो बताइए कितने कितने टीथ बच गए हैं, 16 बच गए या नहीं। अब आप इस 16 को भी डिवाइड कर दें तो बताइए जो 1/4 पार्ट है इसमें कितने टीथ बच रहे हैं, 8 बचे हैं या नहीं। तो जो 8 टीथ हैं, अगर हम उन 8 टीथ को डिवाइड करें तो फर्स्टली इन 8 टीथ में दो होते हैं कैनाइन, एक होता है, सॉरी दो होते हैं इंसीजर्स, एक होता है कैनाइन, दो होते हैं प्रीमोलर्स एंड तीन होते हैं मोलर्स। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं, देखिए ये फंक्शन करते हैं, सबसे पहले इंसीजर्स का काम होता है काटना, जो फूड हम खा रहे हैं उसको ये काटने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद जो कैनाइन होते हैं वो उसको टोटल टीयरिंग, फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर्स दोनों फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, अच्छे से उसको चबा लेते हैं ताकि वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हम देखें कि पूरे माउथ में इंसीजर्स का नंबर कितना होता है, तो इसको याद करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया, 8। इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो कितना हो गया, यहाँ 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, एंड इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए हैं, 32। तो 32 में से 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 12 मोलर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का 2-1-2-3 होता है, 2-1-2-3, क्लियर। अब देखिए जो इंसीजर्स होते हैं ये लगभग 6 महीने की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो 6 महीने की उम्र में इंसीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। कैनाइन जो होते हैं स्टूडेंट्स, कैनाइन आते हैं लगभग 12 से 15 या 15 से 20 की महीने की उम्र में, जो लगभग बच्चे जब 15 से 20 महीने के हो जाते हैं तो उस टाइम पे कैनाइन आने शुरू होते हैं। प्रीमोलर्स जो होते हैं ये लगभग 10 से 11 साल में आते हैं, और जो मोलार्स होते हैं ये 12 से 15 महीने की उम्र में आना शुरू होते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, इंसीजर 6 मंथ में आना शुरू हो रहे हैं, कैनाइन जो होते हैं ये लगभग 15 से 20 मंथ में आते हैं, प्रीमोलार्स जो होते हैं वो 10-11 ईयर में आते हैं, एंड जो मोलार्स होते हैं ये मोलार्स आप बात कर सकते हैं
12 टू 15 मंथ में आते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि एक चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बताएंगे? 2102। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रीमोलर्स हैं वो तो 10 टू 11 ईयर में आएंगे, तो चाइल्ड के पास तो आने से रहे। एंड जो मोलार्स होते हैं स्टूडेंट, इनमें एक विजडम टीथ होता है जो कि एवरेज 17 ईयर के बाद में आया है ऐसा माना जाता है। इसलिए डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2102। अडल्ट डेंटल फॉर्मूला 2123 एंड चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला 2102। आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग की। तो ह्यूमन की जो टंग होती है, ये टंग बिल्कुल मूवेबल होती है। ह्यूमन टंग को कहीं भी इधर उधर मूव करता रहता है। टंग का जो एक सिरा होता है जो बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है वो फ्री होता है, एंड जो बैकवर्ड साइड का होता है वो होता है लगभग पैग। ठीक है, टंग जो होती है ये लोअर जॉ से एक पार्ट से जुड़ी हुई होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल। इस पार्ट से टंग लोअर जॉ से जुड़ी हुई होती है। टंग के ऊपर लिंगुअल पैपिलाइज प्रेजेंट होते हैं और इस लिंगुअल पैपिला पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती हैं। जैसे सबसे जो फ्रंटल साइड है इस पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्वीट टेस्ट बर्ड, जो सबसे बैकवर्ड साइड होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है बिटर टेस्ट बर्ड, यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट साउ खट्टे टेस्ट के लिए, एंड यहाँ इधर की तरफ प्रेजेंट होती है सॉल्टी नमकीन टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स। तो ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट का क्या कराती हैं? पता करवाती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में? फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? बकल कैविटी के बाद में जो फूड एंटर करेगा वो करेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हम लोग थ्रॉट भी बोलते हैं, और जो फेरिंग्स होता है वो फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन चैम्बर होता है, क्योंकि फूड भी यही आता है एंड एयर भी यही आती है। फेरिंग्स तीन टाइप का होता है। फर्स्ट ओरोफेरिंग्स, दूसरा नेसोफेरिंग्स एंड थर्ड होता है लैरिंगोफेरिंग्स। कौन कौन से हैं? ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीन टाइप के फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ जो फूड आए वो फूड पाइप में ही जाए और जो एयर आए वो एयर पाइप में ही जाए, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारी ईसोफेगस है मतलब फूड पाइप जहाँ पे फूड जाएगा, और ये हमारा क्या है? वाइंड पाइप जहाँ पे एयर जाएगी। ये ट्रेकिया जहाँ एयर जाती है इसको वाइंड पाइप बोलते हैं, और यहाँ ईसोफेगस जहाँ पर फूड जाता है इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फूड पाइप। ठीक है, तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना आपके ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको प्रोटेक्ट करने का काम है यहाँ पर प्रेजेंट एपिग्लॉटिस का। देखिए, लैरिंगो फेरिंग्स जो होता है ये इसका लास्ट पार्ट होता है फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स क्या करता है कि अगर इसके पास में फूड आया हुआ है तो ये इसको गुलेट के द्वारा कनेक्ट कर देगा। गुलेट ईसोफेगस पर प्रेजेंट एक फ्लैप का नाम है। एंड अगर इसके पास में एयर है तो ये ग्लॉटिस के द्वारा इसे कनेक्ट कर देगा, और ग्लॉटिस फूड पाइप पर प्रेजेंट क्या है? एक फ्लैप। ग्लॉटिस के ऊपर इधर की तरफ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ इसे, आप अच्छे से देखिए इसे। ये यहाँ पे आप बात कर रहे हैं फूड पाइप, यहाँ पर है आपका वाइन पाइप। अब ये जो वाइन पाइप है इधर की तरफ ये स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, और इधर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं गुलेट। क्लियर? अब ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या करता है कि जब खाना आ रहा है यहाँ ऊपर से तो ये इसको बंद कर देता है ताकि खाना यहाँ पर एंटर ना करे, है ना। फूड जो है वो जब आ रहा है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि फूड केवल फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप के अंदर ना जाए। तो ये फंक्शन बिल्कुल आपको रिमेम्बर रखने हैं, ये नाम रिमेम्बर रखने हैं। यही क्वेश्चंस भी हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फूड फूड पाइप के अंदर ही जा रहे हैं, विंड वाइन जो है वो वाइन पाइप के अंदर ही एंटर कर रही है। फेरिंग्स के बाद में हम बात करते हैं ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो है
ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ईसोफेगस जो होती है ये लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 to 30 मिलीमीटर थिक होती है। इसमें केवल एक प्रोसेस होती है पेरिस्टाल्सिस की। पेरिस्टाल्सिस का मतलब फूड का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहना। एक बार फूड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार फूड रिलैक्स होता है, और इसके रिगार्डिंग फूड जो होता है वो फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसके बाद में हमने स्टमक बनाया हुआ है। यहाँ पे ये स्टमक ही है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर बता रही हूँ ताकि आप लोग समझने में थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाए। तो ये है हमारी ईसोफेगस जिसमें पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस होती है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है फूड को कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्ट करते रहना ताकि फूड यहाँ पे स्टमक में इजीली एंटर कर पाए। अब ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कार्डियक, मिडिल पार्ट फंडस एंड लोअर पार्ट होता है पाइलोरिक। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट पर ये जो अपर पार्ट है यहाँ पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि ईसोफेगस से आए हुए फूड को स्टमक तक आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। एंड यहाँ पाइलोरिक पार्ट पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो फूड को यहाँ से, देखिए यहाँ से ड्यूटेनम तक आने दे रहा है ना। तो यहाँ इसके बाद में ये जो सी शेप बनेगी ये ड्यूटेनम होती है। तो यहाँ इस फूड को ये ड्यूटेनम में आने तो देता है लेकिन रिटर्न वापस नहीं जाने देता है। तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स हैं, एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम बात करते हैं कि इस स्टमक के अंदर और क्या होता है। इस स्टमक के अंदर स्टूडेंट्स एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इसके बारे में अभी असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने आपको लिखकर बताया था, तो वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसोफेगस स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन की। यहां हमने स्टमक के बारे में बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो, एक लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स। अभी नाम बताए थे आपको कौन कौन से हैं, ड्यूटेनम, जेजुअनम एंड इलियम। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूटेनम, जेजुअनम एंड इलियम। ड्यूटेनम जो होता है, ड्यूटेनम लगभग सी शेप का होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसे हम ड्यूटेनम बोलते हैं। ड्यूटेनम में केमिकली फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ड्यूटेनम में क्या होता है, केमिकली फूड डाइजेस्ट होता है, फूड का डाइजेशन ड्यूटेनम वाले पार्ट में होता है। और जो जेजुअनम है, जेजुअनम फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जेजुअनम और इलियम यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जेजुअनम फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बचे कुचे जो बाइल पिगमेंट्स, बॉइल सॉल्ट, मिनरल्स वगैरह है वो कहाँ पर होते हैं, इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम जो होता है ये आगे जाकर, ये देखिए ये जो लास्ट पार्ट है इसका, ये लास्ट पार्ट आगे जाकर बिग इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। तो इलियम क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को बिग इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर रहा है। और जो बिग इंटेस्टाइन होती है उसके भी स्टूडेंट्स तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब जो सीकम होता है, ये सीकम आप यहाँ पे देखिए, जो इलियम ओपन हो रही है उस पार्ट को सीकम बोला जाता है। और सीकम वाले पार्ट के पास में एक वेस्टिजल ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। हमें इसकी नीड नहीं है इसलिए ये वेस्टिजल हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। तो सीकम के पास में एक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के बाद में आती है कोलोन। कोलोन जो होती है इसकी लगभग चार पार्ट होते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो हमारी कोलोन है इसके पार्ट होते हैं। कोलोन के चार पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, ये रही असेंड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने वाली, डिसेंडिंग कोलोन जो नीचे की तरफ आ रही है उधर से, ठीक है। फिर है ट्रांसवर्स कोलोन जो कि ट्रांसवर्स है ये, एंड लास्ट होता है सिग्मोइड कोलोन। यहां पर सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट होती है। लास्ट बचा हमारा रेक्टम। रेक्टम ये वाला पार्ट है,
जहां पर बिल्कुल लास्ट पार्ट इस रेक्टम का होता है एनस, और एनस से ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर में एनस कैनाल प्रेजेंट होती है यहाँ। तो एनस कैनाल 3 सेंटीमीटर की होती है, जहां दो स्पिंचर्स होते हैं, जो कि आप वॉल्यूंट्री भी बोल सकते हैं। एक स्पिंचर वॉल्यूंट्री होता है, सेकेंड स्पिंचर इनवॉल्यूंट्री होता है, मतलब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और एक पर हमारा कंट्रोल होता है। तो यहां से फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बॉडी से बाहर इजेक्यूलेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।